पानीपत और करनाल में गुरुवार को कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया और कई टिकट क्लियर होने से आखिरी दिन नामांकन करेंगे। खास बात यह है कि कई जगह बीजेपी और कांग्रेस के बागी उम्मीदवार पार्टी के उम्मीदवारों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। लीजिए कशमकश और पर्दा उठने के बाद पानीपत और करनाल में बृहस्पतिवार को कई महारथियों ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए। महारथी इसलिए क्योंकि घमासान की हालत से निकलकर बाहर आए हैं ये महारथी। पानीपत ग्रामीण के बीजेपी प्रत्याशी महिपाल और समालखा से बीजेपी प्रत्याशी शशिकांत कौशिक ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। पंडित जी ने तो पहले हवन यज्ञ कराया और सिर्फ 5 बंदों को लेकर पर्चा भरने गए, क्योंकि इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वैसे इनकी राह में अब भी कई इरोड़े हैं। उधर करनाल की असंद सीट से बीजेपी के बागी संजय महला ने लाव लश्कर के साथ पर्चा भरा और हुंकार भर रहे हैं कि बीजेपी की गलती उन्हें भारी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो वो बदलाव है अब वो मेरे रूप में, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो और चाहे असंद हलके की जनता हो, वो देखना चाहती है और वो बदलाव निश्चित है, क्योंकि पार्टी के उम्मीदवार का पूरे हलके में विरोध है। इधर पानीपत सिटी की टिकट का फैसला आखिर में प्रमोद विज के पक्ष में आने से शहर में पावर सेंटर शिफ्ट हो गया है। पहले ही दिन प्रमोद विज के यहाँ भारी भीड़ जुटी। अब ये पार्टी का जो डिसीजन है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। रोहिता जी अपनी है, सुरेंद्र जी अपने हैं, सभी साथी अपने हैं। टिकट मांगने तक हर एक का अपना एक हक है, कोई भी टिकट कार्यकर्ता मांग सकता है, लेकिन जब संगठन एक बार किसी को टिकट दे देता है, उसका प्रत्याशी बन जाता है, सब एक होते हैं। उधर एक और घमासान वाले मैदान असंत सीट पर कांग्रेस का टिकट शमशेर गोगी को मिलने के बाद उनके समर्थक भी बाहर निकल आए। गोगी कहते भी हैं कि राजीव गांधी के वो निकट सहयोगी थे, उनकी अचानक मृत्यु के बाद टिकट के इंतजार में ही उन्हें 28 साल लग गए। चोपड़ा जी, रसाल सिंह जी, चेयरमैन साहब, ये सारे गवाह हैं। इनके सामने बहन जी ने कह दिया था, कैप्टन साहब भाई आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं, आप अपने हल्का तैयार करो। और हम तो आखिर में 2 दिन दिल्ली गए, वो भी तब गए जब उन्होंने फोन करके बुलाया भाई तू कहाँ है, तो मैं फिर गया। चलिए, दरिया का पानी अब चलने लगा है, प्रवाह कहाँ कितना तेज होता है देखना है। वैसे अब हरियाणा में चुनावी माहौल शतरंज की तरह दिख रहा है, जो समझदारी से चाल चलेगा उसके घोड़े तेज दौड़ेंगे। टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।